मम्मी अगर किसी औरत का नाम बबीता हो और सब पपीता कह लगे हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा कुछ सीन चल रहा है, तो इसीलिए भाई आने वाले टाइम में मतलब हम डेली व्लॉग करेंगे, मतलब जितना मुझसे हो सकेगा भाई मैं उतना ही व्लॉग करूँगा, है ना। और एक बात और, एक जो सीन चल रहा है भाई अपने गुरु जी का बागेश्वर धाम जो अपने मतलब ट्रेंडिंग में है भाई, अभी न्यूज़ वायरल हो रही है, तो कई लोग भाई बहुत से लोग मतलब जो भाई विरोधी हैं उनको एक्सपोज करने के चक्कर में कि ये सब अंधविश्वास है, धोखा है, कुछ नहीं है। तो भाई एक बात मैं बता दूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं कि अंधविश्वास या वगैरह भाई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा हनुमान जी की भैया कृपा है, और जिसके ऊपर भाई हनुमान जी कृपा हो उसे कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। जिसके ऊपर हनुमान जी कृपा हो भाई उसको कुछ हो ही नहीं सकता। तो भाई हम भी मतलब फॉलो करते हैं उनको, मैं भी, पापा भी, मम्मी भी, छोटा भाई, दादा दादी, हम सब उनको फॉलो करते हैं। और सबसे मेन बात तो भाई कि जो मतलब अपने ही धर्म के, अपने ही मतलब अपने सनातन धर्म के जो बंदे हैं वही उनको मतलब एक्सपोज करने के चक्कर में लगे पड़े हैं, सोच रहे कि हम थोड़ा मशहूर हो जाएंगे भाई, सोच रहे हो कि हम मशहूर हो जाएंगे या कुछ वो हो जाएगा यानी कि फेमस हो जाएंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। और उल्टा भाई हम जितने भी सनातन, जितने भी गुरु जी के मतलब फॉलोअर्स हैं ना, सबसे भैया मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, इतना मैं बता रहा हूँ, इतना गारंटी मैं दे रहा हूँ। अगर दूसरे धर्म के बोलते तो भैया कुछ इतना था भी, लेकिन अब बोलने लगे, जो टॉपिक जो छिड़ा था जिस बात के ऊपर, वो एक हिंदू थे तो उन्होंने भाई ये टॉपिक छिड़ा, मतलब लालच है भाई ऐसा, तो मतलब कितनी शेमलेस बात है यार, कितनी शेमलेस बात है, मतलब अपने धर्म के ही लोग, और यहाँ पर एकता की बात है। तो भाई जो लोग बागेश्वर धाम गुरु जी के साथ हैं वो बिल्कुल कमेंट में बताएं कि हाँ भाई हम सब साथ हैं। तो भाई एक बात बताओ ना सच्ची में अपने दिल से, जो सनातन का विरोध करते हैं ना उनका पैदा हो तो ही मर जाना ठीक है, हकीकत बताओ, उन्हें जीने का कोई फायदा नहीं है भाई इस दुनिया में, कोई फायदा नहीं है उनका जीने का, पैदा हो तो ही मर जाए वो ही ठीक है। अपने धर्म के लोग भाई अपने धर्म को ही मतलब इतना एक्सपोज करने के चक्कर में है ना, वो बात है, पैदा हो तो ही मर जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जीने का कोई फायदा ही नहीं है उनको, अगर हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म मतलब कोई हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं और वो उसी टांग पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है भाई उनका जीने का। सपोर्ट करते हैं ना भाई, सपोर्ट करना फुल्ली, बिल्कुल फुल्ली सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, आप लोग भी सपोर्ट करना। मम्मी सुखा रहे लिए कपड़े को, मम्मी सारे कपड़े धोगी। और अक्षित गया स्कूल, बहुत दिन से अक्षित की भी मतलब विंटर वैकेशन पड़ रही थी तो वो भी स्कूल नहीं जा रहा था, आज वो भी स्कूल गया। गर्मी बता रही मम्मी, गर्मी मम्मी छिंके लग रहे यार, नो कह रहे गर्मी हो रही, मम्मी का भी अलग ही सिस्टम है, मम्मी छींकने लग रही यार, ये बोल रही है कि गर्मी हो रही। तो भाई बाहर आए कचरी वाले यार, बचपन में खाया करते थे हम, तो मतलब अब तो खैर थोड़ा बहुत बदल गया अपना टट्टी, तो कचरी वाले आए हैं तो कचरी खाते हैं। बहुत दिनों बाद भाई ये कचरी खाने का भी मजा अलग ही है, मम्मी है खानी मसाला, बगैर मसाले का क्या फायदा। अपना टट्टी दी गाँव नहीं है, अपना टट्टी दी भाई कस्बा है, मतलब टाउन है, और अब भी मतलब आते रहते हैं कचरी वाले, मतलब ख़त्म ही हो गया सब कुछ, पहले तो पुराने आते रहते थे कचरी वाले, कभी कोई बुढ़िया के बाल वाला, कभी कोई कुछ बनाता था, तो अब नहीं आते, अब बहुत दिनों बाद कचरी वाला दिखा तो कचरी खाने का मन कर गया अपना। ओ भाई वाह, कब आया देना भाई, क्या खा रहा है, हट जा। शुभम भाई आ रहे हैं, शुभम भाई तो नहीं मिला तू है? तो गाइस चलो यार मैक्रोनी बनाते हैं, मम्मी थोड़ा सहयोग कर दो मैक्रोनी बनाने में, यही काम रह गया कि मैक्रोनी सुबह से दीदी बना के, तो मुझे क्यों नहीं दी यार, देख रहे हो हाँ पक्षपात कैसा चल रहा है भाई, उसे तो दे दी बना के यार, मुझे नहीं दी, अच्छा तो मुझे दो बना के, परेशान करने में मजा आता है। और ये दो बना के दो बना के, जो चीज खाने होगा आप पका लेगा बना के, आप बनाओगे मम्मी यार, चलो मम्मी बना, अरे मैं तो चाय बना रही हसु भाई,
बड़े को कुछ भी नहीं यार, छोटे को इतना। उसे लंच में दी थी बना के। तुम तो चाय में पीता नहीं। कहता थे प्यारे की चाय पी है। कहा चाय पीने को किसी ने? मैं पी भी नहीं रहा, पी भी नहीं रहा मैं। अब क्या थी चाय पी मर में भी। चुपके भले मोटे से हो रहे थे आप मम्मी। मोटे और क्या, तुम्हें आप मुझे पुतला कर रहे थे मोटे। गोल्लू मैं सुबह है पौन घंटा घूमूं। अच्छा तो घूमने से वजन कम हो जा, सुबह भी घूमा करो। तो बढ़ता भी है, कम नहीं होता तो बढ़ता भी ना। चलो मुझे भी सेहत बनानी पड़ेगी, अब जिम मारनी पड़ेगी। बताइए जिम स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। वो कल चला गया होगा उसकी गैल जिम में छोटा कौन है लोकिंदर। हाँ अक्षित। हाँ अक्षित जिम करने लगा। वाह नहीं वो भी कसरत से कर पाया होगा। अच्छा उससे गलत है, थक गया वो रात भाई सब बुखार चढ़ा था उसका है। मैं कह रहा जो मेरा थकान हो गई तो मैं जानी पड़ी स्कूल में। अच्छा और जो मैं थकान उतर गई तो मैं चला गया, थक गया था वो पूरा। शरीर कट गया होगा उसका, ऐसी हो। अब मुझे भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, प्रोटीन खाऊंगा मैं भी 20-20 हज़ार रुपए। एक तो 20 का होगा मम्मी, एक 40 का होगा। तो भाई काफी दिन से ना थोड़ी दिक्कत चल रही है मेरे कानों में, तो मेरे को दवाई दी है भाई कानों में डाल लेगी बस, थोड़ा पता नहीं कुछ ऐसे हो जाता है, कुछ बहुत अलग सा सीन है मेरे साथ। तो ये दवाई डालनी है अपने को। चल रहे मेरे कान में दवाई डाल। कान चल जो क्या है ये, सुई सी सुई सा आएगा है, तो कुछ इंजेक्शन लगवा होगा तो अपने। अरे इंजेक्शन ना हो कुछ है भी हो पता नहीं भाई, ये घंटा हो गया इसमें खुल ही नहीं रहा था इतनी देर से, दिमाग ही खराब हो गया। अब भी कहाँ खुला। ऐसे निकाल खा भी गया। मम्मी फ्रूट्स काट रही है गाइस, अगर आप लोगों को भी खाने हैं तो आ जाओ। पागल थप्पड़ मारो नहीं तेज मत चिल्लाएगा भाई, एकदम से ऐसे शाउटिंग करता है नहीं। मम्मी अगर किसी औरत का नाम बबीता हो उसे पपीता कह लगे। तो पपीता है कोई भाई किसी के मम्मी का नाम या किसी के रिलेटिव्स का नाम बबीता तो पपीता बोल सकता है। तो भाई रात हो गई है और भाई मैं मतलब रोटी डाल रहा था डॉगी को, तो ये ले ही नहीं रहा मुझसे। ले है? ले अरे और मतलब ये ना बहुत अलग सा सीन है, किसी को देते हैं तो ले लेते हैं, और ये मेरे से दूर ही भाग रहा भाई। ले ले अरे ले ले वो तो खाई नहीं, ले ले काम में। एक को रोटी डाल रहा मैं और वो भाग रहा मेरे से, मतलब रोटी तो जा रहा ले ले नहीं रहा और दूर को भाग रहा। तो चलो अभी हम करते हैं डिनर। डिनर में है भाई आलू मटर। ऑल राइट गाइस, तो फिलहाल आज ये लोग में इतना ही, एंड होपफुली आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर नल भाई अभी हम ट्रैवल करने वाले हैं काफ़ी अच्छी जगह पे भाई, सोच रहा हूँ मतलब ट्रैवल हम जाने वाले हैं कहीं, सोचूंगा भाई कहाँ पे जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर। आपको अच्छी अच्छी लोकेशन पर घूमेंगे आराम से। हाँ और मतलब कुछ सीन हो रहा है तो इसलिए नहीं जा पा रहे, तो हाँ इसीलिए।
और फिलहाल आज के लोग में इतना ही एंड, होपफुली आप लोग आज के लोग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को। मिलता हूँ गाइस कल सुबह 8:15। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और हाँ एक चीज़ और भाई फिर से बता दूँ, बागेश्वर धाम के सपोर्ट में कौन कौन है भाई, हमारे हनुमान जी के सपोर्ट में कौन कौन है जल्दी बताओ कौन कौन है, और जो भी बंदे भाई सपोर्ट में हैं हनुमान जी के, तो जय श्री राम, बाय।